हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल NU सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जो PET की परीक्षा है वो 20 अगस्त को प्रस्तावित है, मतलब अगले महीने। और इसी के साथ ही साथ समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी, RO, ARO की जो परीक्षा UPSC द्वारा आयोजित की जाती है वो आपका दिसंबर में है, प्रीलिम्स का। तो दोस्तों, आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, क्या ये दोनों परीक्षा में जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों की तैयारी क्या एक साथ की जा सकती है। मतलब जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है आपका PET का और RO का, इसमें कुछ चीज़ें कॉमन हैं जिसको ध्यान में रखते हुए क्या आप तैयारी कर सकते हैं, आज इसी पर बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं PET में, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 100 मार्क्स रहेंगे, 1/4 का जो है नेगेटिव मार्किंग है इसमें, ठीक है। मैं अगर बात करते हैं 1/4, मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं, ठीक है, तो आपका एक सही क्वेश्चन माइनस हो जाएगा। और उसी के साथ ही साथ ये आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का दोस्तों ये रहेगा, ठीक है। मतलब ये जो है आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। इसमें कुछ चीज़ें दोस्तों जिसका सिलेबस में दिया हुआ था कि जो इसका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और आपका साइंस, ठीक है, या फिर इसके अलावा आपका पॉलिटी, इसमें दोस्तों इनका जो सिलेबस जारी हुआ था पीटी में इन्होंने कहा था कि मार्क्स जो है 5-5 नंबर के इन्होंने डिवाइड किया। मतलब कहने मतलब ये कि हिस्ट्री का इन्होंने 10 नंबर का मार्क्स रखा हुआ है, जिसमें 5 नंबर का इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, जिसमें दोस्तों आपका एंसिएंट, मिडवल ये सब आ जाता है, ठीक है, और आपका 1857 से पहले तक का, मतलब जो अर्ली मिडवल है। और दूसरा जो दोस्तों 5 नंबर का है वो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो 5 नंबर का है, जिसमें स्पेशली कुछ टॉपिक उन्होंने बताया है, ठीक है, जैसे स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, जो भी आंदोलन मूवमेंट रहे हैं आपके महात्मा गांधी के द्वारा, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद मिल्स, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, ठीक है। इसके साथ साथ आपको 1947 तक जो भी एक्टिविटीज़ रही है उस समय, जो भी सेकेंड राउंड टेबल, ठीक है, आपका रहा है, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, क्विट इंडिया मूवमेंट जो चला हुआ था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, माउंटबेटन जो ऑफर आया हुआ था, मतलब 1947 तक जो ये इरा रहा है आधुनिक भारत का, यहाँ से 5 नंबर फिक्स है। ऐसे ही दोस्तों ज्योग्राफी का भी है, ऐसे ही अलग अलग है। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं दोस्तों, क्या RO का जो सिलेबस है वो और PET का सिलेबस में कुछ डिफरेंस है। तो दोस्तों डिफरेंस तो है, मतलब कहने मतलब ये है कि कुछ चीज़ें डिफरेंस है। जैसे आप अगर आप बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, पॉलिटी के सिर्फ 5 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, 10-12 क्वेश्चन। तो बस ये कि मार्क्स का क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। बाकी सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो सिलेबस आप GS की तैयारी करेंगे वो चीज़ें आपकी काम आने वाली है RO में, ठीक है। कैसे, मान लीजिए आप जो टॉपिक उसमें दिया हुआ है पिट में दोस्तों, अगर वही टॉपिक आप तैयार कर लेते हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, ठीक है, तो आपका RO का भी तैयार हो जाएगा क्वेश्चन। और दूसरी चीज़, हिंदी का भी जो पोर्शन है दोस्तों यहाँ पे 15 नंबर का पेट में PET में, जिसमें 5 नंबर का व्याकरण है और 10 नंबर का गद्यांश आता है पैसेज, तो पैसेज पे 2 क्वेश्चंस, मतलब 2 पैसेज आएंगे, उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो व्याकरण के दृष्टि से अगर बात करें दोस्तों, तो उसमें भी जो पेट में आने वाले से आपका तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, ठीक है, आपका इसी के साथ ही साथ जो है अनेकार्थी शब्द, तो ये सब दोस्तों आपके RO में भी हैं। अगर आप RO की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, 60 नंबर की हिंदी आती है, तो समझ लीजिए यहाँ पे जो आपका पेट का भी हिंदी का तैयार हो जा रहा है, ठीक है। तो दो आप दोनों को लेकर चल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप एक का भी सिलेबस फॉलो कर रहे हैं, जैसे RO का सिलेबस के हिसाब से RO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका पेट ऑलरेडी तैयार हो जा रहा है। और दोस्तों वहीं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करते हैं दोस्तों, तो रीजनिंग भी दोस्तों कुछ रीजनिंग जैसे 10-12 क्वेश्चन जो है RO में आते हैं, और यहाँ भी दोस्तों 5 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, बाकी 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे, 10 क्वेश्चन DI के रहेंगे। तो आपका दोस्तों अगर मैथ तैयार भी नहीं लेकिन रीजनिंग तैयार है, तो दोनों में काम आ जाएंगे।
तो कहने का मतलब ये है कि आप हिंदी पे भी फोकस करिए, साथ ही साथ जो सिलेबस आप तैयारी कर रहे हैं पेट की या आरओ की, उस पर टेंशन मत लीजिए, दोनों में काम आएगा, प्लस हिंदी दोनों में काम आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। और इसी के साथ ही साथ पेट आपके लिए बहुत अच्छी है, पॉजिटिव लेके आया है दोस्तों। इलेक्शन का माहौल है, रिक्रूटमेंट होगा, वैकेंसीज ज़्यादा हैं, तो क्योंकि एग्ज़ाम का डेट बढ़ाए नहीं गए, क्या एग्ज़ाम कर रहा हूँ, जो अप्लीकेशन 25 तक अप्लाई किए जाने थे उसका डेट लोग डिमांड कर रहे थे बढ़ाया जाए पेट के लिए, वो बढ़ाया नहीं गया। इससे ये साबित होता है, इससे क्लियर है दोस्तों कि सरकार मूड में, मतलब सरकार पूरी तरीके से मूड में है एग्ज़ाम कराने के कंडक्ट में, और इनको कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज पेंडिंग है वो क्लियर करना है। जिस तरह न्यूज़ में बताया गया था दोस्तों, 30,000 जो रिक्तियाँ हैं पहले शिफ्ट में क्लियर की जाएंगी, उसके हिसाब से जो भी है 8,000, 9,000, 10,000 लेखपाल या फिर जूनियर असिस्टेंट जो भी है, ये सब चीज़ें पेट के ज़रिए क्लियर करनी है, क्लियर की जानी है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जो है लग जाए अभी से, पेट में तो ज़्यादा दिन टाइम बचा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पहले से तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर आप अभी से लग भी जा रहे हैं तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना पोर्शन इसमें 5-5 नंबर में डिवाइड किया गया है कि आप हर पोर्शन को अगर आप सही से करते हैं 1/4 है तो दोस्तों इसमें आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अब क्योंकि ज़्यादा वैकेंसीज भी है तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे बुलाया भी जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आरओ के लिए दोस्तों अभी आप तैयारी में लग जाएगी, आरओ के लिए समय आपके पास काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं कह सकते, टाइम समय गुजरने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन आप लग जाइए अभी से, दिसंबर में प्रस्तावित है, ठीक है दोस्तों। और इलेक्शन से पहले सब जितनी भी वैकेंसीज है दोस्तों सब क्लियर करनी है, इनको नियुक्तियाँ प्रोवाइड करनी है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको आप मिस मत करिए, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे अगले वीडियोस में दोस्तों कि पेट और आरओ के लिए जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, जो बुक्स हैं और बुकलिस्ट, उनके बुक लिस्ट और कुछ टॉपिक जो दोनों में काम आने वाली है वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे दोस्तों, तो बने रहिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ठीक है दोस्तों। और कुछ अगर आपके अंदर क्वेश्चन है, अगर आपको प्रश्न पूछना है, कुछ अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप कमेंट में दीजिए, कमेंट में आप लिख दीजिए, हम कमेंट में आपका जो उसका जवाब जो है दोस्तों अलग से एक वीडियो बना के ज़रूर देंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।